जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने मंगलवार को जुन्नर उपमंडल की एहजू व मैन भरोला पंचायतों का दौरा कर वहां के सभी वार्डों की जनता की समस्याओं को सुना व अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। विधायक प्रकाश राणा ने बताया कि उनके द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वह हर एक पंचायत के हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को उनके द्वारा एहजू एवं मैन भरोला पंचायतों का दौरा किया गया। वो दोनों पंचायतों के हर एक वार्ड की जनता की रास्ते, पानी, कूहलों, पुलों इत्यादि की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निपटारा भी किया गया। आज काफ़ी समस्या की वार्ड वाइज जैसे हमने एक नई शुरुआत की है, मैं अपनी पूरी जनता का के लिए ही संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में एक अलग सा सफाई आया है। आज हम जो वार्ड वाइज जाके काम कर रहे हैं, जो भी पंचायत में जाते हैं उसके जो भी वार्ड मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पर होते हैं, जो जो समस्या अपनी वार्ड से रखते हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज यहाँ पर काफ़ी समस्याएं थी, कोई रास्ते की समस्या है, किसी की घर की समस्या है, किसी की रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो हमने एक एक करके सबको सॉल्व किया है। कुछ महिला वार्डों के भवन थे उनको भी बनाने के लिए हमने धनराशि दी है। एक जो रास्ता हमारा मंदिर के लिए जाता है ऊपर भुवेश्वरी माता के मंदिर के लिए काफ़ी पुराना टेम्पल है, इसके लिए मैंने रोप वे का भी एक जो है प्रपोजल डाला है सरकार के पास। मैं चाहता हूँ कि रोप वे भी हम लगाने की इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी 2 लाख हमने डाला है। और दूसरा जो है महिला मंडल के लिए जब 50,000 है, 2 महिला मंडल हैं यहीं के, आ चुके हैं वार्ड नंबर 3 और 4 के। और उसके बाद जो है इसके लिए कुछ टैक्सी स्टैंड के लिए जो है उसके लिए 50,000 जो हमारे यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर हैं एच यू, इनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, उनको भी हमने वहाँ जगह बैठने के लिए बनाए, उनके लिए 50,000 देने की घोषणा की। एक जो है एक फैमिली काफ़ी पुअर फैमिली है, तो उनकी 3 बेटियाँ जो पढ़ रही हैं उनके पास आजकल आपको पता कि ऑनलाइन ही जो पढ़ाई हो रही है, उनको भी स्मार्टफोन देने की हमने घोषणा की है। हिमाचल दस्तक बैग टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से अमित सूद।